13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था, ठीक है, 3 नंबर समझिएगा एक बार। ये बोला है एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 है, कोई खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5, लेकिन आगे पढ़ने पर पता चलेगा ये शंकु का आकार का है। किस आकार का है वो? शंकु तो नहीं होता, ये बात सब देखा होगा। शंकु के आकार का कोई क्या है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक खिलौना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ना। जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर आरोपित है। इसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर क्या है आरोपित है? अच्छा, तुम लोग देखा होगा ईसन वाला खिलौना भुट्टा बिकता है ना मेला में, इधर खोलते तो इसमें चुरमुन्नी चौं चौं करते रहते हैं। पता नहीं तक टोपी नहीं, ईसन वाला भुट्टा नहीं आता है तनी लंबा और नीचा में तनी गोल दाना दाना रहता है ऊपर में, तनी खोलेगा तो चुन 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 करेगा। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। सुनो साहब, संपूर्ण ऊंचाई कितने है? 15.5 एकड़, मतलब 3.5 इधर होगा ना अगर 3.5, अगर 15.5 में से चल जाए तो ऊपर वाला कितना बचते बुआ? 12 न रे, कितना बचेगा ये? 12 बचेगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। यानी कि बात करते हैं शंकु का, शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा? शंकु की त्रिज्या हो जाएगा 3.5, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। गोले का त्रिज्या तो अर्ध गोले का बुझाइए रहा है यहाँ पर तुम लोग को, कर रहे पीछे अर्ध गोले की त्रिज्या कितना है? 3.5। अर्ध गोले में ऊंचाई ऊंचाई का कोई जरूरी है ना? आगे चलते समझते हैं। क्वेश्चन बोला है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। अच्छा एक बात बताओ, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πr l, तो बताओ इसमें l नहीं ना मालूम है? नहीं, l निकालना पड़ेगा ना, तो बताओ l बराबर क्या होता है? रूट अंडर r² + h² + h² + r² ये बात है। हम लोग कर्ण कितना निकालते हैं? जब लंब आधार के स्क्वायर के जोड़ते हैं तब ना कर्ण निकलता है, सेम वही बात है यहाँ पर। चूंकि l है इसलिए l लिखे हैं, तो यहाँ पर r हो जाएगा 3.5 कितना, h कितने हो जाएगा 12, इतने ना होते बुआरे? पच्चीस, 3×4 = 12.25, बराबर 144। इसका रूट कीजिएगा, सॉरी इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 156। 156.5 एक वर्गमूल निकालेगा ना तो 12.5 आएगा। 12 के 13 बिट पढ़ेंगे तो 156 आएगा ना, 25 होता है ना, तो याद रखिएगा इसका। बताओ 12.5 कितना आ गया ये? एल 5। एल का मान कितने हो गया? 12.5। बस निकल गया, आप सब चीज मालूम है तुमको। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का कितना निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तब ना निकलेगा पूरा। दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तब ना आंसर होते बुआ। तो किसका किसका? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, ना रे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल याद रहना चाहिए सब फॉर्मूला। पाई आर एल, जिसको नहीं याद है वो खड़ा होगा अभी। अर्धगोले का पृष्ठ बताओ, π r² लग रहा है तुमको, पाई आर कॉमन है। हाँ। पाई आर क्या है? हाँ। क्या बचेगा? एल प्लस 2r। हाँ। एल प्लस क्या आर? 2r। एक आर बाहर कर देते के आर ना बचते बुआ। पाई का मान 3.5, कोई दिक्कत? एल का मान अभी अभी लाया है, जोड़ 2×3.5, चूंकि त्रिज्या इतने है 7×5 = 35.05, जिसको आधा बोलते हैं। 22 के आधा फिर पढ़ते 11,
बाईस के आधा बेर पड़ेंगे तो कितना नहीं होगा रे। तो समला पूरा आएगा तो दस पाँच दूनी दस, दूसरे काटेंगे ग्यारह बार में कटेगा। जोड़ो इधर, जोड़ने से पहले बारह दशमलव पाँच और जोड़ साढ़े तीन दूनी सात, साढ़े तीन दूनी सात, बारह सात उन्नीस दशमलव कितना, गुना करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुना करिएगा यहाँ पर क्या लिखेगा सेंटीमीटर, गुना खुद से करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले नोट करो इसको। आंसर अगले प्रश्न पे आओ, बैठो। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी इसी के बाद क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर समझने वाली बात है इसमें क्या समझिएगा। भुजा सात सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, कैसा ब्लॉक है बुआ? घनाकार, घनाकार, इस तरह का घनाकार ब्लॉक है। ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस तरह का घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, पूरा तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं इसका कूट ऊपर वाला सबसे उसमें इसी का चित्र बना हुआ है। अब बोलता है एक घनाकार ब्लॉक पर ऊपर से एक अर्ध गोला रखा हुआ, कथे रख ले बुआ? अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्ध गोले का अधिकतम व्यास इस प्रकार बने ठोस क्या का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो एक अर्ध गोला है, ठीक है, जिसके ऊपर से इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, कथी रख ले, इसमें अर्ध गोला रख ले, कथी रख ले बुआ? अर्ध गोला रख ले, तो इसका व्यास हो जाएगा सात, क्योंकि भुजा कितना है सात सेंटीमीटर, तो व्यास भी कितना हो जाएगा सात सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। हाँ, अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? सात हो सकता है, आगे लिखा हुआ है इस प्रकार उन्हें ठोस की क्षेत्रफल ज्ञात, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बाहरी वाला किन छुएगा तुम? हाँ, बाहरी वाला भाग किन छु पाएगा? बता, एगो अंदर में है, ई भाग का छु पाएगा? कुल पृष्ठीय बोलता है तो सब पार्ट निकालना पड़ता है हमको, इसका अंदर वाला भी निकालना पड़ता है। लेकिन अभी बता, ई पार्ट को छुपाएंगे हम? बिल्कुल नहीं। अंदर वाला पार्ट के छुपाएंगे? नहीं छुपाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। नीचा वाला छुआ जाता है, बर्तन है तो नीचा वाला छुआ जाएगा। आइए समझते हैं इसको, बर्तन है कि दूसरा चीज वो ब्लॉक है। ठीक है, त्रिज्या कितना होगा बोलो? 7x2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा? 7x2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें 6a² होता है, एक ए स्क्वायर तो गायब हो गया, तो बचा क्या ए स्क्वायर? 6a² 6 होता है ना बुआ इसमें वर्ग, 6 में एक वर्ग को तो हमने छुपाएंगे, तो कितना के छुपाएंगे बोल? 5a² प्लस एक अर्ध गोला को छुपाएंगे, तो अर्ध गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा बताओ 5a², तो 5 × a का मान तो यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर, अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr² सत्तर 49 × 5 लिखोगे ना यहाँ पे 2 × कितना, त्रिज्या कितना है 7/2 2 से 2 11 दूनी 7 से 9 5 45 4 5 20 4 24 प्लस 11 7 77 जोड़ लो जो आएगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे इसका। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान आसान है, बनाइएगा तब ना। चित्र में भाग धान को तो सो दो, देखो घनाकार ब्लॉक देखा है, अरे मान लो तख्ता है ना, सिल्ली हो काट लेना। ठीक है, इस प्रकार से एक सिल्ली है जो कटा हुआ, बात समझे? सिल्ली है, तख्ता का बनाया हुआ है। क्वेश्चन में है एक घनाकार ब्लॉक के फलक के अंदर की ओर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। बुआ अंदर से
एगो अर्ध गोला को क्या किया गया है, काट लिया गया। कहाँ से काट लेके बुआ? अंदर से काट लिया। कहाँ से कट लगे रे? अंदर से एक अर्ध गोला को इसमें से क्या किया गया, काट लिया गया। मतलब इस तरह से इसको एगो को निकाल लिया गया, निकाल लिया गया पार्ट है। मान लो एगो लकड़ी है और लकड़ी के गड्ढा खोद का ऊपर वाला भाग गोलाकार कर अर्ध गोलाकार को क्या करेंगे, निकाल कर हटा देंगे। तो आप बताओ एगो बात, तुम बताना यहाँ पे कि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। बस इसी चीज को समझना है तुमको, घटेगा कि बढ़ेगा। एक बात बताओ, अभी हम जितना भाग को छू पा रहे थे उसे ज्यादा भाग छू पाएंगे कि कम? ज्यादा 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 तो जुड़ते ना रे, पृष्ठ तो अपने ना कहे तो जुड़ेगा कि घटेगा? तू बता। जुड़ेगा। क्षेत्रफल क्या होगा? जुटेगा। लेकिन आयतन रहता था घटता, बस समझे, आयतन रहता तब घटता, लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, इसलिए क्या होगा, भाग जुटेगा। वो भाग क्या होगा? जुटेगा। तो बस समझिए, समझ गए आप लोग? अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। यहाँ पर बोला है इसका व्यास घन के बराबर है। चलो समझते हैं बुआ, हम मान लेते हैं घन की भुजा ए है, घन की भुजा क्या है, व्यास भी ए है, तो व्यास भी कितना हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। त्रिज्या हो जाएगा ए बाई टू। इसका निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाकार ब्लॉक है ना बुआ? कौन ब्लॉक है? घनाकार ब्लॉक लिखो, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता बुआ? सिक्स ए स्क्वायर कौन ए स्क्वायर? सिक्स ए स्क्वायर में ऊपर वाला भाग छुआ था तो कट गया, वो तो क्या हो गया, फाइव ए स्क्वायर ना, क्या ए स्क्वायर नहीं, फाइव ए स्क्वायर प्लस अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, टू पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा आंसर मिलाइएगा पहले, आंसर देखो, आंसर बताओ। देखो इसमें सिक्स ए स्क्वायर भी लेता है इसलिए आंसर बोले, देखने के लिए बोलिएगा। मतलब पाई का मान नहीं लिया। देखिए अगर हम ले लेते अभी तब कैसे होता है, नहीं बनता हमारा, कहाँ समझ में आता पाई के मान नहीं लिया, इसीलिए अभी बोले कि रुक जाओ आप ना समझ गए। एन का वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता। हाँ तो आप समझ, देख सब भुजा ले लो, कौन का सिक्स ए स्क्वायर लिया, कथ लिया है सिक्स ए स्क्वायर, पूरा भुजा लिया है। हो सकता है कि मान लो ये पूरा भाग को काटा होगा तो इसमें काट काट वाला बच गए होते, हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसलिए सिक्स ए स्क्वायर लिया। ठीक है अब बनाते हैं, समझिएगा। हाँ जिसका जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर समझना, सिक्स ए स्क्वायर प्लस टू पाई ए का मान, आर का मान क्या आ जाएगा, ए बाई टू, ए बाई टू का कथी, ठीक है तो सिक्स ए स्क्वायर प्लस टू पाई इंटू ए स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर बाई फोर, चलो कॉमन लेना है, ए स्क्वायर बाई फोर को कॉमन लेना है, किसको कॉमन लेना है तो बताइए, यहाँ सिक्स बचेगा, यहाँ कथी बचता है, लेकिन बताइए यहाँ चार बाहर निकाली, यहाँ पर चार था नहीं, यहाँ पर चार था नहीं, नहीं था, एक मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें चार से नीचे गुना कर देते या चार से ऊपर, क्या कहा नीचा ऊपर, अगर दोनों हम गुना कर ले रहते और नीचा से हम चार बाहर निकालते तो ऊपर बचता कि नहीं, तो बता छः चौ चौबीस बचता, बोला ना छः चौ कितने बचता, चौबीस, कोई दिक्कत है तो बोल दो अभी तक, अगर नीचे में दोनों चार रहता उसी चीज को समझना है, नीचे ऊपर चार से हम गुना कर देते हैं ना, चार कॉमन लेवे में बनेगा, चार कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बता ऊपर में तो छ चौक चौबीस ही ना बचा होगा, अब प्लस बचा होगा नहीं रे, यहाँ पर बुआ ए स्क्वायर और चार कॉमन ले लें तो टू पाई ही ना बचा दे, क्या बचा बोल, टू पाई बचा, तो यह तुम्हारा आंसर है। ये हम बताए तुमको कॉमन लेने का तरीका, ठीक है ना, तो नोट कीजिएगा, ये आपका आंसर होगा सही से। चलो लिखिए, रहने देते हैं आज भर इतना ही है।